बीजेपी की सरकार सत्ता में आई उसके पहले इन्होंने दो तीन वादे किए थे, आपके खाते में 15-15 लाख आएगा, हम आए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, कपड़े निकाल के प्रदर्शन करते थे 2014 में 2100 रुपए भाव मांगते थे गेहूं का, क्योंकि 1400 रुपए लागत थी। सत्ता में आने के बाद भूल गए, पिछले साल गेहूं की लागत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 2200 रुपए थी, तो रेट 2100 रुपए होना चाहिए था, अब की बार तो और 2400 बिक्री हो गई है। झूठ बोल के वोट ले लिया, अच्छे दिन कह के वोट ले लिए, और आज हम तड़प रहे हैं कि हमारे वो जो बुरे दिन थे ना वो ही रहेंगे। आज आपका जो पूरा कारोबार है, खेती का कारोबार, खेती का बिजनेस, एग्रो बिजनेस जिसको बोलते हैं 15 लाख करोड़ रुपए का, वो कारपोरेट को दे रहे हैं, कंपनियों को दे रहे हैं। आगे आपका माल सरकार नहीं खरीदेगी, जैसे ही कह रहे हैं एमएसपी था एमएसपी रहेगा, कोई एमएसपी नहीं रहेगा। बाजरे का आपके सामने है, हरियाणा में मक्के का आपके सामने है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में क्या क्या करते हैं आपके सामने है, पूरे देश में खरीद से भाग रहे हैं। आपका मुकाबला अमरीका के किसानों से करवाना है, आप एक चीज के लिए लड़ते हो तब तक दूसरी और होती है। अभी हरियाणा के अंदर लैंड बैंक बना दिया गया है, जितनी पंचायती जमीने जितनी कोई किसी के पास दबी हुई जमीने या मुश्तरका मालकान जमीने या आपको जो बेचनी है, कोई एक किला बेचेगा कोई दो किला बेचेगा, सरकार खरीदेगी और इस सब को एक जगह इकट्ठे करके बड़े प्लाट बनाएंगे, 1000 एकड़ 5000 एकड़, और वो कंपनियों को देंगे। ये शुरुआत कर रहे हैं, यानी आपकी जो खेती है, आपको 5 एकड़ 2 एकड़ वाला जो भी किसान है उसको यहीं के 5000 एकड़ वाली कंपनी से मुकाबला करना पड़ेगा। और ये क्लियर है कि जब आपके बराबर में 5000 एकड़ आएगा तो उसके मुकाबले में 5 एकड़ नहीं टिक सकेगा और आखिरकार पूरे खेती के ऊपर कब्जा होगा कंपनियों का। जैसे ब्रॉयलर है, मुर्गा ब्रॉयलर, उसमें 2004 में कंपनी आई थी, आज 95% कारोबार कंपनियों के हवाले हो गया है। सेब के अंदर कंपनियां गई, टोटल सेब का छोटा व्यापारी बाहर कर दिया, आज 2500 रुपए सेब खरीद के अडानी 250 रुपए बेच रहा है। साथियों, पहला तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन ना तो किसी जाति का है ना किसी धर्म का है, ये आंदोलन मानवता का आंदोलन है। और इसमें मेरे को यहां आके पता चला कि वो शायद जो बनिया बरादरी है वो तो शायद कांडा को वोट देगी, बीजेपी को वोट देगी। साथियों, सवाल इस चीज का है कि भोले लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते, खेती से पहले बाजार पे कब्जा कंपनियां कर रही है, आने वाले 2024 तक 4 गुना कारोबार ऑनलाइन कारोबार बढ़ेगा और पूरा बाजार का कारोबार कंपनियां छीन लेंगी बहुत जल्दी, आधा छीन चुके हैं, आधा तो बहुत जल्दी आने वाले 3-4-5 साल में छीन लेंगी। हर क्षेत्र में खेती के ऊपर जीवन गुजारा करने वाला व्यापारी, खेती पे जीवन गुजारा करने वाला खाद बीज दवाई वाले, वो सारे बेरोजगार, आर्थिक पूरे बेरोजगार और
मंडियों में काम करने वाले सारे मजदूर बेकार, खेती में काम करने वाले सारे मजदूर बेकार, खेती में जमीन वाले सारे बेकार, ये सारे बहुत जल्दी बेरोजगार होने जा रहे हैं। पिछले जबकि मोदी सरकार आई है 7 साल में 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और बाकी के क्योंकि आज भी जो बड़ी आबादी है उसका रोजगार खेती है, और अगले चंद सालों में खेती पूरी कंपनियों के हवाले होके पूरा आपका जो रोजगार है वो आप सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे और जिंदा रहने की पोजीशन नहीं बचेगी। ये अमेरिका का मुकाबला करते हैं, अमेरिका में बच्चा पैदा होता है तो सरकार का खर्चा है, पालना है तो सरकार का खर्चा है, पढ़ाना है तो सरकार का खर्चा है, अगर आप नहीं पाल सकते तो सरकार पालेगी, और बेरोजगार है तो भत्ता मिलेगा, बुढ़ा हो गया तो पेंशन मिलेगी, बीमार हो गया तो इलाज कराएगी सरकार। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। आज 20 करोड़ लोग देश में भुखमरी का शिकार है, 192 स्थान पर भुखमरी में हमारा देश पहुंच गया है। साथियों, हमारा रोजगार छीन रहे हैं, हमने आंदोलन किया तो बस यही हमारे से पाप हुआ, यही हमारे से गलती हुई कि हमने आंदोलन क्यों किया। और इस आंदोलन के अंदर 5 लोगों को गाड़ियों से कुचल के मार दिया गया, एक को करनाल के अंदर लाठियों से पीट के मार दिया गया, 15 से ज्यादा किसान किसानों का दुख ना देखते हुए आत्महत्या करके धरने के ऊपर, एक बड़ा संत हरियाणा का आत्महत्या करके अपने आप को गोली मार के, 700 से ज्यादा किसान वहां की तपिश गर्मी और ठंड को ना बर्दाश्त करते हुए धरने पे शहीदियां दे चुके हैं। इस सब के बावजूद हरियाणा के अंदर 42,000 से ज्यादा किसानों पर मुकदमे दर्ज कर चुके हैं। जितने मेरे साथी हैं किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसपे 10, 20, 15 मुकदमे दर्ज ना। हर आदमी पे, हर हमारे कार्यकर्ता पे मुकदमा दर्ज है, और मेरे ऊपर तो 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, पूरे हरियाणा में 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कसूर क्या है? कसूर केवल इतना है कि हम अपना अधिकार मान रहे हैं, और उस अधिकार मानने का नतीजा हमारे सामने दिया आता है, कहीं हमारे सिर पार दिए जाते हैं, कहीं हमारी हड्डियां तोड़ दी जाती है लखनार मार के, कहीं मुकदमे बढ़ा दिए जाते हैं, कहीं किसी और तरह से धमकाया जाता है। साथियों, पहली बात तो हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि सरकार कितनों को कुचल कुचल के मारेगी, कितनों को मुकदमे बनाएगी, कितनों को जेलों में ले जाएगी, हम तो सभी जाने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार कहीं ये सोचती हो कि हम डरते हुए कहीं उनसे आंदोलन बंद करेंगे, करते हैं नहीं होंगे। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि किसी गांव में कांदा का विरोध किया, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया, कौन सा गांव था, तलवाड़ा, और भी कई जगह से मुकदमे दर्ज करने की शिकायतें आ रही हैं। हमने अपने लोगों को रोका है, अब भी रोक रहे हैं कि हम चुनाव में कोई ऐसा काम ना करें, कहीं धक्का मुक्की ना करें कि सरकार को कुछ कहने का मौका मिल जाए और चुनाव कहीं उनके पक्ष में चला जाए, ऐसा कोई काम ना करें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार कोई ज्यादा पंगे नहीं डाले, ये मुकदमे मुकदमे जितने बनाए हैं ना इस चुनाव में, जो मुकदमे बना रहे हैं ना कई बना दिए उन्होंने, आराम से चुप करके वापस लेने अच्छे लोग। और वरना अगर हमने अपने किसानों के रस्ते खोल दिए ना तो घर से नहीं निकलना रहेगा मेहमानों को। इसलिए हमारी
चेतावनी है, छोड़ रहा होगा यहाँ पर प्रशासन कि जितने उन्होंने मुकदमे बनाए हैं शराब से सारे हद कर दे, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और साथियों हमें तो अनुरोध करने आए हैं आप, एक विनती करने आए हैं आप, एक संदेश आप दे सकते हो, अपने घर बैठ के संदेश दे सकते हो, पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरी सरकार को संदेश दे सकते हो। सभी इलेक्शन कभी सरकार हारती नहीं है, क्योंकि सरकार सरपंचों को दबाती है, उनकी इंक्वायरियां खोलती है कि अगर सरपंच सरकार के विरुद्ध गया तो सस्पेंड कर दिया जाए, अगर कोई आपका भाई सरकारी नौकरी में है उसको दबाया जाता है कि चल अपने परिवार की वोट डलवा सरकार के पास, नहीं तो तेरे को घर भेज दिया जाएगा। कोई व्यापारी है, व्यापार करता है, उस पर छापे मारे जाते हैं, उसको डराया जाता है कि या तो वोट डाल दे वरना तेरे कागज उठा दे। सरकार कभी सब इलेक्शन हारती नहीं है, सरकार का सब इलेक्शन का मतलब होता है कि उसके विरुद्ध एक फतवा दे दिया गया कि तेरे को हम पसंद नहीं करते। और आम ये माना जाता है, नैतिकता ये मानी जाती है कि अगर सरकार सब इलेक्शन हार जाए तो उसको मानवता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ये माना जाता है। आप लोगों से हम एक रिक्वेस्ट करने आए हैं कि अब मौका है हमारे पास अपना विरोध जताने का, अब हमारे पास मौका है कि हम ये दुनिया के सामने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से ये दिखा सकते हैं कि इस सरकार की क्या रेपुटेशन बची, क्या इज्जत बची है इस सरकार की आप लोगों के बीच में, ये दिखा दो। और ये दिखाने के लिए आपने बस बटन दबाना है, और वो बटन किसी ना किसी पे तो आप दबाओगे, जिस पे मर्जी दबा लेना, लेकिन बीजेपी को छोड़ के दबाना जिस पे भी दबाओगे। हमारा दूसरा कोई मित्र नहीं है, हम किसी की सिफारिश करने नहीं आए हैं। हाँ एक जरूर कहना चाहेंगे कि संयुक्त मोर्चे का कोई उम्मीदवार यहां पे नहीं खड़ा है, आप जिसको मर्जी वोट दे दें, ये बहुत पैसे बांट रहे हैं, हमें पता है बांट रहे हैं, पैसे वाला है, कमाया हुआ है, इन्हीं के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, चैनल भी है इनका, तो पैसा बहुत कमाया हुआ है, बहुत खर्च करेगा, बहुत बांट रहा है, कई भाई हमारे गरीब हैं, रोटी से मोहताज हैं, उनको ये पैसे का लालच देते हैं, ले लेना भाई, हमारा ही है, उसका नहीं है, पल्ले तले को ले लेना, कुछ और देने आए वो भी इनकार नहीं करना, अगर इनकार करोगे तो उसको वो समझेगा ये मेरे को वोट नहीं देगा, उसके साथ पूरा तालमेल रखना, खाओ पियो भी जाके उसका, कुछ देने आता है वो भी लो, खूब उसको ये दिखा दो कि तेरे को ही जताएंगे, और खर्च करवाओ, पर वोट तो अंदर जाके ही डालनी है ना, बस अंदर जाके उसको छोड़ के जिसको मर्जी दबा देना, काले चोर पे दबा देना, कोई बात नहीं। अगर ये आपने कर दिया, अरे भाई हम देश के लिए मांग रहे हैं आपके पास से, अपने लिए नहीं मांग रहे, मैं नहीं खड़ा हूं, अगर मेरी पूछो मेरी कांडा से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी निजी कोई नहीं है, दूसरों से है, बहुत कुछ है, बता नहीं सकता यहां तक है, लेकिन हम सब कुछ करते हुए केवल ये कह रहे हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम आपसे देश के लिए वोट मांग रहे हैं, हम आपसे मानवता के लिए वोट मांग रहे हैं,
हम आपसे इस देश को बचाने के लिए, इस देश के इंसानों को बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। बस इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, किसी को जता दो। अगर आपने इसको जीरो कर दिया, आप पूरे देश के में ये मैसेज जाएगा पूरे देश में, केवल सिर्फ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंडी से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केवल सिरसे में नहीं, केवल हरियाणा में नहीं, आज हरियाणा का आंदोलन सबसे टॉप पर है। आज रोज आप चार पांच जगह से नेताओं को भगा रहे हो। हरियाणा में 20 से ज्यादा जगह पे मुख्यमंत्री को भगा चुके हो आप लोग। सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए हैं, सबसे ज्यादा लठा हरियाणा में बरसी है। आज देश आपके मुंह की तरफ देख रहा है, आज देश आपकी तरफ देख रहा है, हरियाणा की तरफ, और पूरा हरियाणा आज एलनाबाद की तरफ देख रहा है। आपके हाथ में पूरे देश की इज्जत है, पूरे देश का मान सम्मान है आपके हाथ। आप लोग सभी कार्यकर्ता हो, सभी कार्यकर्ता हो आप लोग, अपने खर्चे पे यहां पे आए हो, अपने खर्चे पे गाड़ियां चल रही हैं हमारी, किसी राजनीतिक पार्टी से तेल नहीं डलवाया हमने, अपने खर्चे पे गाड़ियां चल रही है, आपके खर्चे पे गाड़ियां चल रही हैं। साथियों, आपके हाथ में आज पूरे देश को एक संदेश देना आपके हाथ में है, और उसके लिए हम आपसे बेनती ये करेंगे कि गांव गांव में पंचायत करो, पंचायत करो गांव गांव में, किसी को दे दो, बस इसको ना दो, जो इसकी वोट देने वाला हो, कोई परिवार इसकी वोट देने वाला हो, उसके बारे में सारा गांव इकट्ठा होकर जाए, उसके भी बारे में 50 आदमी जाके हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो। अगर हमारे से किसी के पैर पकड़वाने हैं, हम भी पकड़ेंगे, किसी के हाथ जड़वाने हैं, हम भी जोड़ेंगे, अपने लिए नहीं, इस समाज को बचाने के लिए। आज कसाईयों के हाथ में चला गया है देश, बेच रहे हैं इस देश को, जिसको हजारों लोगों ने सिर दे के आजाद कराया था, आज रुपये की चीज चमन्नी में बेच रहे हैं इस देश की। ये अंबानी अडानी के लिए आजाद नहीं कराया था। हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर लेता है कर्जे में दबके, किसी ने 10,000 20,000 50,000 करोड़ के कर्जे में किसी एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या की क्या? इस देश को बचाने के लिए आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, और आप भी आगे अपने गांव में जो भी आपको ये लगे कि जो भी बीजेपी का वोट डाल रहा है, जो भी बीजेपी को समर्थन कर रहा है, उसके बारे में जाइए, हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए, कुछ भी करिए। हमारे किसान उनके यहां जो लोग हैं उनको बुलाइए, वो उसके पैर पकड़ेंगे, लेकिन बीजेपी को वोट ना पड़े, बाकी चाहे काले चोर को पा देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।